नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर पाकुड़ से है, जहां लिट्टीपाड़ा प्रखंड में राजमहल लोकसभा क्षेत्र निर्दलीय प्रत्याशी लोबिन हैम्ब्रम के चुनावी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाजसेवी निर्मल मुर्मू ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 21 मई 2024 को राजमहल लोकसभा के निर्णय प्रत्याशी सहबोरियो विधायक लोबिन हैम्ब्रम को बाबूधन टुडू ने अपने गांव हाथीगढ़ में प्रचार करने के लिए बुलाया था। ये गांव झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाकुड़ जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुनील टुडू का है। उस दिन भी लोबिन ने प्रचार अभियान को बाधित करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके दूसरे दिन लोबिन हैम्ब्रम को गांव में लाने के कारण बाबूधन टुडू के पिता को गांव में काम से जेएमएम नेता ने निकलवा दिया। बाबूधन टुडू ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि पिताजी को काम से निकालने के बाद परिवार में समस्या पैदा हो गई। इस संबंध में निर्मल मुर्मू ने कहा कि जमीन मालिकों को पार्टनरशिप में रखा जाए, साथ ही साथ बाबूधन टुडू के पिता को वापस काम पर बुलाया जाए। सबसे पहले सभी को जोहार, नमस्कार। मामला शायद हम कल फेसबुक पे थोड़ा सा लिख करके लोगों को बता चुके हैं, बस उसका आज खुलासा करना है। आज खुलासा करना है लिट्टीपाड़ा विधानसभा के तथाकथित नेता का, दबंगई का, और लिट्टीपाड़ा विधानसभा में जेएमएम से जुड़े नेताओं का आतंक का। मैं बताना चाहता हूँ, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखंड का एक गांव है हाथीगढ़ में एक नेता है, अभी वर्तमान समय में पाकुड़ जिला का युवा मोर्चा का अध्यक्ष है। नाम है उसका सुनील टुडू। वर्तमान समय में शायद वह कमलघाटी पंचायत का मुखिया भी है। गांव में उसका खूब रौब और दबदबा है। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसलिए लोग अपने अपने पसंदीदा, अपने अपने मुद्दा के आधार पर नेताओं का चयन कर रहे हैं। उसके पीछे लोग अपना एनर्जी खपत कर रहे हैं और नेताओं का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए। वैसे ही हमारे राजमहल लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान समय में बोरियो के माननीय विधायक श्री लोबिन हैम्ब्रम जी राजमहल लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चूँकि वे जन मुद्दे को लगातार सदन में उठाते रहे हैं, यहाँ के आम आवामों का मुद्दा को उठाते हैं, इसलिए हम लोग भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इस बार जेएमएम और बीजेपी को छोड़कर के हम लोग एक निर्दलीय कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाया था और जेएमएम ने जो वादा किया था उसी वादा को जब माननीय विधायक जी ने सरकार को याद दिलाया तो उनको आज पार्टी से भी निकाल दिया गया। और लगातार पिछले 2-3 सालों से हम लोग क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं और जेएमएम ने जो वादा किया था वादा को याद दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और उसी आंदोलन के नतीजे हम लोग माननीय विधायक से भी जुड़े हुए हैं और इसलिए इस बार हम लोग चुनाव में उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मामला लिट्टीपाड़ा विधानसभा का फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, हाथीगढ़ का है। ये विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने का ये है कि ये बाबू को आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम है बाबूधन टुडू। और इन्होंने 1932 खत्यान के मुद्दे पर विधायक जी के साथ खूब आंदोलन किया था, बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया था। SPT एक्ट जो उधेड़ रहा है उसके लिए विधायक के साथ खड़े रहे। जब चुनाव आया तो इन्होंने तथाकथित जो जेएमएम के नेता है उनके लाख मना करने के बावजूद भी अपना गांव में माननीय विधायक को प्रचार करने के लिए प्रवेश कराया अपना गांव। कौन विधायक, उनका नाम क्या है? माननीय लोबिन हैम्ब्रम जी अभी राजमहल के निर्दलीय कैंडिडेट हैं। तो पहले से ही इनको मना किया गया था कि इस गांव में आप माननीय लोबिन हैम्ब्रम जी को मत लेकर आइए, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये जमीन से जुड़े हुए नेता है, इनको लाना हमारे गांव में ज़रूरी है। इन्होंने लेकर के आया और पूरा गांव में प्रचार हुआ और माहौल पूरा गांव में इनके तरफ झुका। तो जेएमएम के जो तथाकथित नेता है उनको लगा कि यार ऐसे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा, क्योंकि मैं इस गांव का निवासी हूं और जेएमएम का बड़ा लीडर है। कब का इससे घटना, कब का इस तरह का? ये 20 तारीख को विधायक जी को अपना गांव लेके गए थे और नतीजन ये हुआ
नतीजन ये हुआ, उनका गांव में 20 तारीख को विधायक का प्रचार हुआ और 21 तारीख को उनके गांव में क्रासर और खदान चलता है, पत्थर का खदान चलता है। वहां इनके पिताजी मजदूरी करते हैं, वहां से इनके पिताजी को काम से हटा दिया जाता है। इन्होंने ये बात विधायक जी को भी बोले, विधायक जी ने कहा कि अभी चुनाव का काम चल रहा है, प्रचार प्रसार का काम चल रहा है, देख लेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग भी भावुक हैं भाई, जो जेएमएम अबुआ दिसम अबुआ राज की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ती है और यहाँ के लोगों के साथ आंदोलन करके झारखंड को लिया, जब आज उनका दिन आया, उनको सत्ता में बैठने का दिन आया, तो लगता है कि जेएमएम अपनी दबंगई के बल पर शासन चला रही है और उसका नतीजा और जीता जागता उदाहरण हमारे लिट्टीपाड़ा विधानसभा के जो तथाकथित जेएमएम के नेता है उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, पेट में लात मारने का काम किया है। ठीक, मेरा नाम है बाबूधन टुडू और लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अंतर्गत हम लोग का गांव हाथीगढ़ पड़ता है। तो हम लोग का जो निर्दलीय प्रत्याशी बोरियो विधानसभा के विधायक माननीय श्री लोबिन हेम्ब्रम जी को चुनाव प्रचार के लिए हम लोग अपना गांव में लेके गए थे, तो वहाँ जो हम लोग का एक नेता है जेएमएम का, एक वरिष्ठ नेता है, वो एक क्या नाम है उस वरिष्ठ नेता का, नाम क्या है? उसका नाम है सुनील टुडू और हम लोग का मुखिया भी है, पंचायत मुखिया भी है। अच्छा, तो वो क्या करते हैं कि हम लोग चुनाव प्रचार के लिए इसको लेके जाते हैं हमारे माननीय विधायक को, तो वो वहाँ पर कुछ खर्चा वर्चा करके लोगों से विरोध कराते हैं। और दूसरे दिन क्या करते हैं, हम मेरे पिताजी हम लोग का गांव में खदान क्रेशर खदान चल रहा है, तो मेरे पिताजी वहाँ पर काम करते हैं, तो दूसरे दिन ही उससे उसको काम से निष्कासित किया जाता है और उसको घर में बैठाया जाता है, जिससे हम लोग का रोजी रोटी के लिए फसल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।